Good morning, viewers. Today is Saturday. Nice day. It's a bit hot. थोड़ा सा गर्म है. अच्छा दिन है. Saturday का दिन है. 32 degree है. और आज pipeline में काफी चीजें हैं करने को. And देखते हैं कि how it drips out. And how many drips I can achieve out of this pipeline. कि मैं क्या-क्या आज कर सकता हूँ. अभी तो मैं जा रहा हूँ कुछ pre-construction. कल भी गया था मैं. उसकी भी कुछ बनी हुई है videos. अगर वो कुछ उसमें से कोई add करने वाला हुआ तो मैं add करूँगा. आजकल Mississauga में pre-construction या as an investment या क्या नाम है अपने रहाइश के लिए आप फौरी तौर पे तो कोई कांडो नहीं लेते बल्कि इट्स अ फ्यूचर डेवलपमेंट डाउन द रोड मे बी फ्यू इयर्स. इसकी जो कंप्लीशन है नेक्स्ट दो साल में जैसा वो बिल्डर्स जो है वो लिखते हैं. तो मेरे पास कुछ क्लाइंट्स थे देवर उनको कुछ ज़रूरत थी तो मैंने कहा कि उनके लिए कुछ ब्रोशर इकट्ठा किया जाए और इनको मार्केट किया जाए. तो चार प्रोजेक्ट है बल्कि पांच एक दो हाँ या पांच प्रोजेक्ट्स हैं. मैं पिछली वीडियो में फ्राइडे को कल जो मैंने बनाई है एज आई सेड अगर हुआ तो लोड करूँगा अगर नहीं हुआ तो उसमें कुछ नहीं लोड करूँगा. तो पांच के करीब जो है ना एक तो ये कैनेफ वालों के कीस्टोन कांडोस के नाम से हैं. फिर एक शोलमार ये इसी रोड के ऊपर जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ. अब मैं यहाँ से वैसे लेफ्ट बना रहा हूँ और मैं उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमें साथ साथ बताते जाया करें तो अब मैं ये जो हूँ ये एब्सोल्यूट एवेन्यू पे मैंने लेफ्ट बनाया है. मेरे पीछे कुछ सामान पड़ा हुआ है सॉरी फॉक्स उसकी वजह से कुछ शोर बच रहा होगा. तो आगे लाइट आएगी तो मैं फिर कैमरे को आगे की तरफ कर दूँगा ताकि आप लोग जो है मुझे मत देखें. मुझ में कुछ नहीं रखा असल तो यू वाना सी द एरियाज. ब्यूटीफुल Mississauga. तो एक शोलमार एक मैंने कीस्टोन का बताया है. कैनेफ वालों का प्रोजेक्ट है जो 2021 आई बिलीव में कंप्लीट होगा. फिर एक शोलमार का है जिसका एच वन जो है वो ऑलरेडी एच टावर वन हैज ऑलरेडी बिन कंप्लीटेड. ब्लॉक द ट्रैफिक. अब ये लेफ्ट साइड पे मेडोज बुलेवार्ड है और आगे मैं जा रहा हूँ बर्नहमथोर्प. इस पर अक्सर मुझे इट्स वेरी हार्ड फॉर मी सम टाइम टू प्रोनाउंस. तो इससे पहले कि ये लाइट निकल जाए मैं लेट मी मेक द लाइट. अब मैंने ये लेफ्ट बनाया है एब्सोल्यूट से इसके ऊपर. तो अच्छा तो मैं लगे ये आ गया है इनका क्या नाम है कम इन वी आर ओपन थ्राइव वेर यू लिव कीस्टोन कांडोज डॉट सी ए. इनका ऑफिस आई बिलीव के खुला हुआ है आज. तो आप देख रहे हैं ये पूरी जगह जो खाली है इसमें ये जो आपको पिक्चर शायद नज़र आ रही होगी इसकी बिल्डिंग के ऊपर जो लिखा हुआ कीस्टोन के नाम से ये दो बिल्डिंगें जो हैं ये खड़ी होनी है. और इसकी जो मैं और मज़ीद करीब क्लोज जाता हूँ ताकि आपको इसकी वो भी पता लग जाए. थ्राइव वेर यू लिव मिनट्स फ्रॉम स्क्वायर वन वन बेड प्लस डेन लो 400s और टू बेडरूम जो है लो 500s से शुरू होंगे. तो लेट मी पार्क द कार. एक तो ये प्रोजेक्ट है ये बड़े साहब जो है ये लेके जा रहे हैं. मोस्टली जब मैंने देखा कल भी मैं आया था सब मेरी उम्र के थे लोग जो यहाँ पर मकान ओन करते हैं ऑलरेडी. अब वो डाउन साइजिंग ये भी एक मैं आपको बता दूँ कि डाउन साइजिंग कहलाती है कि पहले हम लोग बड़े मकानों में रहते हैं या महंगे मकानों में उनको बेच के फिर बुढ़ापे के लिए $3-4 लाख मिल जाता है. उसमें बुढ़ापा थोड़ा सा अच्छा कट जाता है थोड़ी वेकेशन अच्छी हो जाती है. तो मैंने कल से अब तक जितने भी नज़र आ रहे हैं मुझे मेरी तरह के ही है. एनी ऑफ फोक्स तो चले अंदर चलते हैं फिर देखते हैं क्या कहानी है. लेट्स स्टार्ट. इस प्री कंस्ट्रक्शन का आज को मैं आपको तजर्बा करा रहा हूँ.
ये उन लोगों के लिए जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया हो कि हाउ द थिंग्स वर्क ओवर हेयर। बाहर चूँकि मौसम कुछ अजीब व गरीब किस्म का हो रहा है, तो एक अजीब व गरीब मेरी जो वीडियो आ रही है वो बड़ी ही फॉगी टाइप की, आई डोंट नो हाउ क्लियर इज गोइंग टू कम आउट व्हेन वी कम अप विद द फाइनल प्रोडक्ट। चले फॉक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं मैं इस कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर हूँ इस वक्त। ये साइट है तो कंप्लीट साइट है, और कल जो जिस बंदे ने इत्तेफाक से उस बंदे से मेरी मुलाकात हुई कि वो कल ये बंद था, तो मैंने उससे पूछा कि इसकी ग्राउंड फुटिंग कब होगी, कब ये पीछे एक रिवीन भी जा रही है और बड़ा खूबसूरत ग्रीन और क्या नाम है आप देख सकते हैं ग्रीनरी वाला इलाका है। अच्छा, एक बात और कल मुझे उस बंदे से पता लगी। अब आपको ये पूरी बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, इन लोगों का एक और प्रोजेक्ट जो है ये फर्दर हर एंटेरियो पे शुरू होने वाला है, एंड आई वॉज सरप्राइज एंड आई सल्यूट द टेक्नोलॉजी एंड आई सल्यूट के जो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं बकौल उसके के ये जो बिल्डिंग है, ये जो बनी हुई है, ये प्रेजेंटेशन ऑफिस जो है, ये पूरे का पूरा एक फ्लैट बेड ट्रक के ऊपर उतार के ये दूसरी जगह पे ले जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी। ये पूरा मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊंगा कि कितना इन लोगों की कितने ये एडवांस हो चुके हैं, और मैं बिल्डिंग का फ्रंट भी दिखाऊंगा आपको कि ये बकौल उसके कि जितना भी ये रैंप वगैरह बने हुए हैं, ये आपको ये 2x6 है गालबन, 2x6 है या क्या है, 2x4 नहीं, 2x6 कौन सा ये है, ये 2x5 के वो लगे हुए हैं फट्टे, तो ये पूरे के पूरे फट्टे निकाल देंगे और ये पूरी बिल्डिंग जो है ना, ओ माय गॉड, सैटरडे वीकेंड हॉलीडेज 11, अच्छा खुला हुआ है, तो ये पूरे का पूरा निकाल के ले जाएंगे। चलिए अंदर चलते हैं फोक्स। जी व्यूअर्स, ये है मिस्टर इग्नेट कैनेफ, जिन्होंने कैनेफ कॉरपोरेशन या जो भी क्या नाम है जो डेवलपर हैं, और इनकी वेबसाइट है keystonescondo.ca। ये डिफरेंट इसके फ्रोल मॉडल्स हैं, आई मीन उसके जो भी कह लें दीवार के ऊपर लगे हुए हैं डिफरेंट किस्म के मॉडल्स, उसकी डिफरेंट लेआउट्स वगैरह। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, मॉडल 3 जो है 1 बेड प्लस डेन का, 601 स्क्वायर फीट, एक्सपोजर उसकी ईस्ट की है, स्टार्टिंग फ्लोर 6 से है, $437, 438 कह लें आप, 438,000 कह लें, और उसकी पर स्क्वायर फीट है 729 है, और ये ऑल द वे चलते हैं 1 प्लस डेन, 1 बेड प्लस डेन, 2 बेड और इसके ऊपर इस मॉडल के अंदर। और फिर मॉडल दूसरे वाले जो 03A जो है वो है 1 बेड प्लस डेन, 601 स्क्वायर फीट, स्टार्टिंग फ्लोर 3 है, एक्सपोजर उसका वेस्ट का है, 475,000 और $790 पर स्क्वायर फीट। ये जो है आप मॉडल जब देख रहे हैं इस वक्त, ये फेस कर रहा है साउथ को, और दूसरी तरफ जो है वो नॉर्थ को, और वो फेस कर रहा है बर्नथ्रोप को। अच्छा जी, इसका जो डिपॉजिट स्ट्रक्चर है वो इस तरह 5,000 विद ऑफर होगा, और बैलेंस 2.5% इन 30 डेज, 2.5% इन 120 डेज, 2.5% इन 180 डेज, 2.5% इन 270 डेज, 2.5% इन 365, 3% इन 540 डेज, 2% ऑन ऑक्यूपेंसी। पार्किंग 30,000 की है, लॉकर 5,000 का है, और मेंटेनेंस फीस जो है इसकी 53 सेंट्स पर स्क्वायर फीट है। हाइड्रो एंड वाटर मीटर सेपरेटली है, और पार्किंग अगर वैसे आपको लेनी होगी तो $44.95 पर मंथ, लॉकर जो है $20 पर मंथ। ऑक्यूपेंसी जो है इसकी फॉल 2021 में है, और क्या नाम है क्या कह रहा था मैं, ये इसके जो डिफरेंट वो चीज़ें इसके अंदर यूज़ होंगी, किस तरह की लेमिनेशन फ्लोर होगा, कौन सा बैक स्प्लैश होगा, और मैं क्या कह रहा था इसके अंदर, अगर किसी को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो मुझे ईमेल कर सकता है। ये मैंने जल्दी जल्दी करके बता दिया क्योंकि दो मिनट की या ढाई मिनट की ये वीडियो थी, उसके अंदर ही मुझको सारा कवर करना था। ये इसका ऊपर से जो है इसको व्यू आएगा। तो चलें, ये ऑलमोस्ट वीडियो ख़त्म हो रही है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कोई भी क्वेश्चन हो तो ईमेल कर सकते हैं आप लोग। इट्स अ वेरी आइडियल प्रोजेक्ट।